मौजूद है सलामत जिला यमुनानगर में। आपको बता दें कि आए दिन आपको एक्सीडेंट की तस्वीरें हमने दिखाई हैं, किस तरीके से ये ट्रक जो है दो ट्रकों को टक्कर मारने के बाद जो है यहां आकर दीवार में घुस गया है। सुबह 5 बजे की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से ये ट्रक जो है दीवार तोड़ता हुआ किस तरीके से दुकानों के अंदर रुका जाकर। आपको बता दें कि आए दिन किस तरीके से बड़े हादसे होते हैं, माइनिंग क्षेत्र होने की वजह से आए दिन बड़े हादसे जो है यमुनानगर जिले के अंदर दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रक के अंदर दूसरे ट्रक का जो मलबा है वो यहां पर फंसा हुआ, और ये ट्रक जो है काफी दूर से जो है गाड़ी को टक्कर मारने के बाद जो है यहां आकर दीवार में जो है घर में जाकर रुका। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो ट्रक है, आप देख सकते हैं कि पीछे जो है इसने दूसरे ट्रक को, खड़े हुए ट्रक को जो है टक्कर मारने के बाद जो है काफी दूर जाकर जो है ये रुका। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें। लाइव तस्वीरें, एक बड़ा हादसा हुआ है। HR38S9840 ये ट्रक था जो सड़क किनारे काफी देर से पहले से ही खड़ा हुआ था, जिसमें पीछे से आकर जो है ट्रक ने टक्कर मारी। आप देख सकते हैं कि ट्रक का किस तरीके से बुरा नुकसान हुआ है, पूरा का पूरा हिस्सा जो ट्रक का है वो यहां पर टूट चुका है। लाइव तस्वीरें, ज्यादा इस खबर को शेयर करें। आपको बता दें कि सरावा सडोला रोड पर की तस्वीरें हैं, जहां पर एक ट्रक जो है पहले से ही रात के वक्त यहां पर खड़ा है, और रात पर खड़े ट्रक में जो है पीछे से आकर एक ट्रेलर जो है उसने सामने से इसको टक्कर मारी। आप देख सकते हैं कि ये सड़क किनारे यहां पर ट्रक खड़ा था, जो कि रात के वक्त ड्राइवर इसमें सो रहा था, और पीछे से जो सामने से आकर इसमें दूसरे ट्रक ने टक्कर मारी है। इस ट्रक का ड्राइवर कहाँ गया? पुलिस लगी ना सर। नहीं, इसका तो अभी यहाँ खड़ा था ना, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें ये ट्रक जो है सड़क किनारे खड़ा था, जिसको सामने से आकर दूसरे ट्रेलर ने जो है टक्कर मारी है, और टक्कर इतनी भयंकर थी, इतनी जोरदार थी कि पूरा का पूरा ट्रक जो है दूसरे घर में जाकर घुस गया है। हमारे साथ ये ट्रक चालक जो है यहाँ पर रात को यहाँ पर ट्रक पार्क करके खड़े थे और सो रहे थे, किस तरीके से बड़ा हादसा। सर क्या कुछ जानकारी देंगे, क्या देखा आपने, क्या पता लगा आपको? तो ये गड्डी खड़ी साइड में, जब आए तो लगी मिली थी। अच्छा, ये ट्रक आपने व्हाइट पट्टी से नीचे खड़ा कर रखा था? नीचे था साइड, पार्किंग थी नीचे था साइड। आप ट्रक में सो रहे थे क्या? नहीं, घर थे। अच्छा, घर पे थे। हाँ। तो क्या पता लगा था आपको? मेरे पास फोन आया था। अच्छा, तो कहा गड्डी लग गई। तो काफी नुकसान हुआ आपके ट्रक का? नुकसान तो आपके सामने है। क्या लोड था आपकी गाड़ी में? इसमें पेपर लोड है। अच्छा, कहाँ जाना था आपको? ये लाडवा जाना था। तो रात को आराम कर रहे थे ताकि भी सुबह निकल जाएंगे? सुबह निकल जाएंगे, यही रहने वाले ना ये। अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले? कौन सा गांव है ये? सरावा गांव है। अच्छा, तो ट्रक दूसरे ट्रक वाले ने कैसे हुआ, कुछ बताया आपने? वो का स्टीयरिंग जाम हो गया, ब्रेकिंग लगी भी। अच्छा, ब्रेक कितने बजे का हादसा है ये? बजे अभी की बात है, 4 बजे। तो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे भी जान लेंगे। भाई जी क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या हुआ? ये तो इनकी जिस टाइम टक्कर हुई ना जी, हम तो घर पे सो रहे थे। अच्छा, तो बाहर आई आवाज सुन के, तो देखा ये बाजे मार रहा था लड़का, एक जो ट्रक ड्राइवर का होता। हाँ। वो पहले जिस टाइम टक्कर लगी वो नीचे गिर गया जी पहले। अच्छा, तो हम आए जी, तो देखा भाई ये तो गड्डी उसमें बढ़ रही है दुकानों में। अच्छा, हाँ जी। तो ट्रक वाला वो भाग गया मौके से? ना, भाग गया नहीं जी, पुलिस ले गई। कितने लोग थे उसमें? 2 जने थे जी। तो क्या बता रहा, कैसे हुआ उससे? कंट्रोल नहीं हुआ या नींद आ गई थी? ओ पता ही, नींद में कह रहा था, कंट्रोल नहीं आया उस पर। नशा नुशा भी करके हो गया? हाँ जी, नशा नुशा भी करते हैं ना सर ये ड्राइवर, इतनी फास्ट से चलाते हैं भी। यहाँ पे मतलब इतनी सवारी और इतनी मतलब यहाँ पे जाम रहता है बंदों का। यहाँ पे एक तो स्पीड ब्रेकर होनी चाहिए इस रोड पे ना, कम से कम भी। कितने ट्राले बड़े बड़े ट्रक मतलब इतनी स्पीड पे जाते हैं जो कोई लिमिट नहीं है उनकी। इतने आज से मतलब डेली इस रोड पे हो ही जा रहे हैं जैसे। हाँ, बड़ा गांव है यहाँ पे, इतने बच्चे छोटे छोटे माता पिता बुजुर्ग सारे जाते हैं, क्रॉस करते हैं। लेकिन ये सरकारी स्कूल है, उसके लिए हम आपसे ये डिमांड करेंगे कि मीडिया में हाई से लाइट करें कि यहाँ स्पीड ब्रेकर बनाएं, जिससे मतलब स्पीड स्लो हर इस गांव का भला हो जाए। हाँ, इस ट्रक का पूरा नुकसान हो गया। हाँ जी, हाँ, ट्रक खत्म हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रक जो है HR38S9840 यहाँ पर सड़क किनारे खड़ा था, रात को खड़ा किया था कि सुबह इस माल को कहीं लेकर जाएंगे, लेकिन खड़े हुए ट्रक में जो है पीछे से सामने से आप देख सकते हैं कि ये साइड में खड़ा है, और उधर से जो आ रहा था ट्रक ट्रेलर उसने किस तरीके से इसको टक्कर मारी, और टक्कर मारने के बाद यहीं पर नहीं रुका। ये आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मलबा जो है सड़क पर बिखरा पड़ा है, और ये ट्रक यहां पर टक्कर मारने के बाद नहीं रुका। ट्रक की इतनी ज्यादा स्पीड थी, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दीवारों में जाकर दुकान में, ये वो ट्रेलर है HR46D4941, ये वो ट्रेलर है जो जाकर उसके बाद यहां पर नहीं रुका और सामने जाकर जो है घरों में जाकर घुस गया। आप देख सकते हैं कि ये उसका शीशा है, उसके बर्तन जो है यहां पर पड़े हुए हैं,
और ये ट्रक देख सकते हैं किस तरीके से कितनी स्पीड में, अंदाजा लगा लीजिए कितनी स्पीड में होगा ये ट्रक और किस तरीके से ये जाकर जो है दीवारों में घर में जाकर घुसा। ये दुकानें आप देख सकते हैं कि यहां पर नाला है और नाले में कितनी हाइट पे जो है ये ट्रक जाकर घुस जाता है। पूरा का पूरा ट्रक ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आदमी, ये मंजा किसका पड़ा है यहाँ पे, ये मंजा किस यहाँ नहीं, ये तो वैसे ही पड़े थे यहाँ से, बर्तना की दुकान किराए पर करते रखी ना वो सामान सुमून रखते हैं सुबह आके, तो शाम को अपना बर्तन अंदर ले जाए थे वो, और ये मंजा यहीं पड़े रहा था। ये तो वैसे ये तो कंबल दे नहीं क्या गड्डी वाले का, ये तो सारा कुछ ये सामान का। हाँ ये नुकसान होया बस ये मकाना का, ये देखो जी आई ये साढ़े तीन बजे के करीब है जी, ये साढ़े तीन बजे हम पीछे ऐसे हुआ जैसे कोई भूचाल आया हुआ, जैसे टकराया ना ये ऐसा हुआ जैसे हमारे जो पड़े थे ना हिले पूरे की तरह, हाँ जी हाँ पूरी जबरदस्त, इतनी टक्कर जबरदस्त थी ये, तो हम तो सोंदे उठे हैं पड़े थे बाहर आके देखा ऊपर देखा ये क्या है, ये अपना गेट खोला देखा अपना, ये दो बंदे थे एक पर उतर गया, वो कहा भी मखा भी बीच में देखो कोई बंदा बीच में तो नहीं है, कहा नहीं जी हम दो थे और उतर गए वो। अच्छा। वो सही सलामत तो कोई थोड़ी बहुत उन्हें चोट आई है, बाकी ये मकान के तो क्षतिग्रस्त कर दिया है, हाई स्पीड में थे। अच्छा नहीं कैसे अब ये बोलते हैं कहा जी हम 40-45 बजे भी 40-45 बजे आप पीछे देखो भी इतनी स्पीड में क्या होता है कुछ, ये क्या करते हैं मकानों को देखो, या ये तो शुक्र है हम पीछे पड़े हैं, हैं ये सारी चादरें उखाड़ दी हैं सब, ये दुकान क्या हो दुकान हाँ घर ये नुकसान हो गया, दुकान अपनी है ये सारी सारा अपना ही है। हाँ जी हाँ जी पुलिस को बुलाया था, पुलिस आ गई है वो अपना ले गई अपना जो स्टेटमेंट ले करनी थी वो चले गए वो लेके अपना। तो आप देख सकते हैं कि घर की महिलाएं बच्चे जो रात को सो रहे थे किस तरीके से बच्चे भी उठ गए और महिलाएं जो हैं यहां पर पहुंची। आंटी जी क्या पता लगा था, क्या आवाज आई थी, आप भी सो रहे थे घर में, क्या हुआ था? मानो एकदम तड़का लगा जी बहुत जोर की, तो हम मंजे पर डर गए नंगे पैरी दौड़े आए बाहर, मारे बच्चे भी बड़ा लड़का भी बुआ दोनों और छोटे छोटे बच्चे भी डर गए ने सारे, काफी बड़ा धमाका हुआ। हाँ बहुत तकड़ा धमाका होया जी, बिजली गिर गई। अच्छा तो है ये देखो भूचाल सा ले दिए जी एकदम घरा पड़े थे, करेंगे जैसे ये लोडेड चलते हैं तेज चलते हैं क्या वो ब्रेकर होने चाहिए जी रोड पे, ब्रेकर की डिमांड है जी, चार ब्रेकर चाहिए रोड पे, तो चार ब्रेकर होने चाहिए क्यों ट्रैफिक ज्यादा की गाँव बड़ा है की सुनते बहुत स्पीड में चलते हैं जी, थोड़ा यही है कि ब्रेकर पता क्या जी ब्रेकर की हमने दी है ब्रेकर के लिए बोलते हैं, वो बोलते हैं हाई कोर्ट से परमिशन नहीं है, जब इस रोड पे यहाँ पे हाई कोर्ट से परमिशन नहीं है इतने बड़े गांव में असगर पर कैसे ब्रेकर लग रहा है, रोड तो यही है जी वो काला हमको हिमाचल को जोड़ रहा है तो वो कैसे जोड़ रखा है जी, प्रशासन यहाँ तो बोल देता है हाई कोर्ट से हमारे को ब्रेकर कम से कम चार जी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ट्रक है, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, ये ट्रक ट्रेलर जो है कैसे दीवारों को तोड़ता हुआ यहां पर रुका है और कितना ज्यादा इस ट्रक को भी नुकसान हुआ है और दीवारें तक गिरा दी हैं, परिवार वाले कहीं ना कहीं सो रहे थे और 3:30-4 बजे की ये घटना है, अचानक से धमाका होता है और ट्रक चालक जो है यहां पर आकर ट्रेलर जो है यहां पर घुस जाता है, कहीं ना कहीं लोग जो है इस सदमे में है कि आप देख सकते हैं यहां पर मंजा है, हो सकता है कि यहां पर अगर कोई सो रहा होता या बच्चे कोई होते तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होता, अगर गर्मियों के दिन होते तो जरूर एक बड़ा हादसा हो सकता है। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे कि इनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए, ब्रेकर बनने चाहिए, स्पीड कम होनी चाहिए? हमारी मांग यही है सर कि पहले यहां ब्रेकर से बाद में सड़क दोबारा इन्होंने इसकी करिया ब्रेकर हटा दिए, और मांग करने के बावजूद भी है इनके ऊपर कोई असर नहीं है किसी चीज का, प्रशासन के ऊपर कोई असर नहीं है। हाँ जी अरे गांव बड़ा है और हाई स्पीड इतनी होती है कि स्कूल साइड में स्कूल है, दोनों माले चलते हैं बच्चे छोटे हैं स्कूल के पढ़ते हैं और वो सड़कें क्रॉस करते हैं, क्रॉसिंग कोई जगह नहीं है माले, हम ये मांग है कि हाँ यहाँ ब्रेकर जरूर होना, पहले चार ब्रेकर थे इस रोड के आबादी के बीच में, बाकी अब कुछ नहीं है बस, तब ये रोजाना कोई ना कोई नहीं तो छोटा मोटा हो या एक्सीडेंट बड़े हादसे होते रहते हैं कोई। हाँ जी तो सड़क के बीचों बीच दोनों साइड घर हैं, दोनों घर हाँ ये आबादी है जी माले दोनों तरफ गांव बस यहाँ बीच में रोड जा रहा है मान ले नेशनल हाईवे रोड है ये, मतलब इसके ऊपर ब्रेकर होना बहुत जरूरी है जी, बुजुर्ग भी हैं बच्चे भी हैं और स्कूल में जब छुट्टी होती है बहुत रस हो जाता है यहाँ पे, तो ड्राइवर ने नशा कर रखा होता है, ये 100 की स्पीड में होगा पक्का, 45 की स्पीड में तो ऐसा हो ही नहीं सकता सर, तो नशे तो करते हैं ड्राइवर इतने, आपको बताइए मारने के बाद भी नहीं रुका यहाँ के रुका है नहीं यहाँ कहाँ रुका जी, यहाँ बहुत देर में ये बहुत देर में बंद होया जी, बंद भी अब बहुत देर में गड्डी अपने भी रुकी है यहाँ के, अच्छा बंद भी नहीं हुआ था, हाँ हाँ फिर बाद में उन्होंने बंद कराया, ये काफी देर में बंद हुआ, उन्होंने बंद भी नहीं हुआ है, इसके इंजन स्टार्ट था इसका, मतलब बेनती करेंगे कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसके ऊपर आगे
कोई ना कोई मतलब मुद्दा मतलब हाईलाइट किया जाए। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें दिखा देते हैं हम आपको सरावा से, जहां पर देर रात 3:30-4 बजे की एक घटना है, एक ट्रक जो है दूसरे ट्रक को टक्कर मारने के बाद जो आकर यहां पर घर में आकर घुस जाता है, दुकानें तोड़ देता है और किस तरीके से ट्रक को भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। आपको बता दें कि ब्रेकर की मांग जो है गांव वाले लगातार जो है ब्रेकर की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं किस तरीके से ये लंबा ट्रेलर जो है, लंबा ट्रेलर देखिए किस तरीके इसके बर्तन जो है यहां पर बिखरे पड़े हैं और उस ट्रक को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि हो सकता है ड्राइवर को नींद आ गई हो सकता है कि ड्राइवर ने नशा किया हो, या जैसे ड्राइवर के टोपी जो है यहां पर पड़ी हुई है और कहीं ना कहीं बर्तन जो है वो सारे यहां पर बिखरे हुए हैं। मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूं किस तरीके से पूरी की पूरी दुकान जो है उसमें टक्कर मारने के बाद दुकान को काफी हिस्सा जो है वो नुकसान हुआ है और ट्रक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। या आप सकते हैं टीन तोड़ता हुआ, दीवारें तोड़ता हुआ ये ट्रक जाकर जो है यहां पर घर में आकर रुकता है और कहीं ना कहीं बड़ा हादसा जो है होते होते चला है। किसी जान का नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन आप देख सकते हैं कि दीवार, या आप देख सकते हैं कि दीवार में जाकर रुका है, दुकान की पूरी दीवार जो है दरारें आ गई और पूरा का पूरा ट्रक जो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ट्रेलर जो है इसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। उस दूसरे ट्रक का जो मलबा है उस ट्रक में फंसा हुआ है और कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होते होते चला। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करें। भाऊजी क्या कुछ कहना चाहेंगे, इनकी इतनी तेज गति चलती है, अगर कोई आगे बंदा सो रहा था टीन टून में तो क्या बनता उसका? भाजी ये तो देख का चलना चाहिए ना, अपना हिसाब किताब लगाया का भी नींद में ही होया है सवेरे सवेर का नींद का, वो तो अपने साइड में खड़ा था इनने का मारया ना, तो नींद में तो नहीं चलना चाहिए ना। पीछे 2 घंटे सो जिंदा आराम कर लेता, कोई एक दिन का काम तो है नहीं, सारी जिंदगी का काम है। तो अगर ट्रक में ना लगता तो सीधा घर में घुस जाता था, फिर और किसी ने मारता है इतनी स्पीड में सभी ट्रक तोड़ा है ना, ट्रक गड्डी तोड़ी जी, उसके बाद इतनी स्पीड में खंभा तोड़ा जो, और उसके बाद आगे लग गया जी, मान ले यो कितना भी नुकसान कर सका था जी, बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता जी। तो आप देख सकते हैं ना कि पूरा का पूरा गांव जो है, जो लोग इस खबर को सुनते जा रहे हैं वो लोग यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। मैं आपको फिर से वो ट्रक दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से ये ट्रेलर जो है रात के वक्त 3:30 बजे की घटना है, जहां पर सड़क पर चलता रहा था और सामने ट्रक जो है पार्क खड़ा था, काफी देर से खड़ा था, रात के वक्त यहां पर व्हाइट लाइन से नीचे ट्रक जो खड़ा था उसको टक्कर मारने के बाद जो है एक घर में घुस जाता है और दीवार तोड़ता हुआ वहां जाकर रुक जाता है, और ये जो ट्रक खड़ा था सड़क किनारे इसको कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। पूरी की पूरी ट्रक की जो बॉडी है वो आगे से टूट चुकी है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं 71 के माध्यम से, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सरावा से, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ, सुबह सुबह की घटना है, जहां 3:30 बजे एक ट्रक जो है सढ़ौरा की तरफ जा रहा था और सामने एक ट्रक जो है पार्किंग किया हुआ था, सड़क किनारे खड़ा था, उसको टक्कर मारने के बाद जाकर जो है काफी लंबा जो है ट्रक था और सामने जाकर जो है दीवार में घुस गया। 71 के लिए लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे हम आपको सराहना, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करते रहिए।